शास्त्री नगर सिंधी कॉलोनी में हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनका ऐसा आरोप है कि एक विशेष दल के लोग यहाँ पर पहुँचे, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे जो इनसे नाराज थे और उसके बाद अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और उनकी पिटाई कर दी गई। कुछ लोग हैं जिनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया है, वो दावा कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अविनाश। अविनाश जी, क्या हुआ था आप लोगों के साथ? हम लोग सर बस वहाँ बैठे हुए थे, हम लोगों को चिल्लाने की आवाज़ आई, गाली गलौज की कि अमित खत्री को बाहर निकाल, और वो माँ बहन की गालियाँ दे रहे थे। और जैसे हम लोग गेट पे आए तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ से 15-20 आदमी दौड़ते हुए चले आ रहे थे, और इनको अपना वहाँ पे आते ही चिल्ला के गाली गलौज करने लगे। फिर वहाँ से हटे, फिर अंदर घुसे, वहाँ एक और लड़का था आशीष, उसको जो है इन लोगों ने मारा। फिर हम लोगों ने जो है हम लोग वहाँ से थोड़ा सा बाहर आ गए, फिर वहाँ पुलिस वाले भी बीच में आ गए, फिर हम लोग सिंधी समाज के लोग सारे आ गए वहाँ पे, फिर उनको रोका गया थोड़ा सा, बस ये हुआ हम लोगों के सामने। मारपीट भी हुई आप लोगों से? एक एक लड़के को इन लोगों ने मारा। कौन लोग थे ऐसे 15-20 जो लोग आप बता रहे हैं कि कौन थे, आप पहचानते होंगे ना उन लोगों? सर मैं शक्ल से जानता हूँ, नाम किसी का नहीं जानता हूँ। अमित जी, आप भी रहे होंगे तो क्या आप पहचानते हैं उन लोगों को, कौन थे वो लोग? हाँ, उसमें एक जगदीश शिवारी थे, एक अक्षय द्विवेदी थे। इन दो लोगों को तो पहचानते हैं क्योंकि ये बराबर कन्वेंसिंग में हमारे यहाँ आ रहे थे, तो इसलिए उनका चेहरा जानते हैं। बाकी लोगों का चेहरा कौन है, आम आदमी है क्या कोई? नहीं, ये भाजपा के पदाधिकारी हैं, एक भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं, दूसरे भाजपा के जिला पदाधिकारी हैं। ये दोनों लोग भाजपा से ही संबंधित हैं, और जितने लोग थे वो भाजपा का ही नारा भी लगा रहे थे उस समय। और चूंकि हमारा समाज बढ़ चढ़ के वोटिंग करता है, उनका मंशा ये थी कि यहाँ पे पोलिंग वोटिंग ना हो पाए, लेकिन हम लोगों ने उसके बाद और बढ़ चढ़ करके वोटिंग की है। ये सब करने की जरूरत क्या है, उन लोगों को क्यों नाराज हैं? ये वो इसलिए नाराज है कि उनको ऐसा लग रहा था कि हमारा पूरा समाज एक निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन कर रहा है, जिसने हम लोगों के बीच में 5 साल रह करके काम किया है, पूरा समाज उसका समर्थन कर रहा है। ये चीज़ उनको नागवारा गुजर रही थी, इसीलिए उन्होंने ये सुनियोजित तरीके से ये हमला किया। मेयर साहिबा भी आई, प्रमिला जी भी यहाँ पर आई थी, क्या आप लोगों से बातचीत की? हम लोग तो बोलिए बहुत बहुत उनको द्वेष था, वो कहती बहुत दुख हो रहा, हमें सुन के ही अपने कार्यकर्ताओं को कह रही थी, और बोला 6 बजे तक आप पोलिंग का साथ दो भाई, मैं आपके साथ हूँ, जैसे आप कहोगे वैसे कहूँगी। तो आप लोगों ने पोलिंग कर दी है कि नहीं? हाँ, पोलिंग सबने की है, पोलिंग सबने की। सब लोग अपने फिंगर जरूर दिखा दें। ये एक संदेश, सिंधी समाज किसी से डरता नहीं है, ये सारा पूरा शहर नोट कर ले कि सिंधी समाज किसी भी पार्टी या किसी के दबाव में वोट नहीं करता है, हम अपने प्रत्याशी को खुला समर्थन करते हैं, जिसकी दम वो आकर के जो करे। देखिए, ये सिंधी समुदाय है, सिंधी समाज के लोग हैं यहाँ पर, और सभी अपनी फिंगर को शो कर रहे हैं, फिंगर शो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर वोट सबको दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे, ऐसा इनका कहना, और उन्होंने पिटाई की है, पिटाई की कोशिश की, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये लोग डरे नहीं और पोलिंग करके आए, यानी अपने मतदान पूरी तरीके से इन लोगों ने कर दिया है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।